हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू का तंदूरी पराठा। चलिए शुरू करें। तो हमने ये पोटैटोज़ को मैश करके ले लिया है। इसमें धनिया पत्ता और हरी मिर्च डाल दी है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला एंड काली मिर्च, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे। मसाला तंदूरी पराठा के लिए नॉर्मल रोटी बेल के उसमें नमक, मिर्च, अजवाइन। अब रोटी में थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे और उसकी लेयर्स बनाएंगे लच्छे पराठे की, और फिर उसको हल्के हाथ से बेलेंगे। तो इधर हमारा आलू का तंदूरी पराठा बनके तैयार है। तो अब हम इसे आराम से निकाल लेंगे प्लेट में और दूसरा अपना मसाला पराठा लगा देंगे तंदूर में। थोड़ा पानी इसे गीला करके, तो पराठा बनके तैयार है और देखिए कितना क्रिस्पी बना है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए कितने बढ़िया बने हैं दोनों पराठे।